नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूं न्यूज क्लिक में। आज का चर्चा का विषय है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव में इतना बुरी तरह क्यों हारा। सारे ओपिनियन पोल्स बोल रहे थे नहीं, भूपेश बघेल का सरकार वापस आएंगे 5 साल के बाद, मगर इस बार तो हम वो नहीं देखा। छत्तीसगढ़ में 90 विधायक में कांग्रेस का सिर्फ 35, वोट शेयर 42। भारतीय जनता पार्टी 5 साल के बाद वापस आए हैं, 54 विधायक 46 दशमलव वोट शेयर, एक विधायक है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इस विषय के ऊपर मेरा साथ आज रायपुर से जुड़ रहा है सामाजिक कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का एक सदस्य आलोक शुक्ला जी। आलोक, धन्यवाद, आप न्यूज क्लिक का दर्शक, खुशी है कि आप हमारे साथ आज हैं। तो आप जरा समझा दीजिए, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे थे 90 में कांग्रेस को, किसी कोई कह रहे थे 50 मिलेगा, कोई कह रहे 55 मिलेगा, मगर जब चुनाव का नतीजा आया दिसंबर महीना का 3 तारीख, सब लोग पोलस्टर भी आश्चर्य हो गए कि कांग्रेस को सिर्फ 35 मिला, भारतीय जनता पार्टी को 54 मिला और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1। कारण क्या है? निश्चित तौर पे देखिए, ये इस वर्ष का जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ का, ये थोड़ा सा सबको आश्चर्यचकित किया है कि एक तरीके से पूरे देश में एक माहौल था कि छत्तीसगढ़ के अंदर तो कांग्रेस एक अच्छे मार्जिन के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। सारे ओपिनियन पोल भी उस दिशा में जा रहे थे, और कांग्रेस भी बहुत ही एक कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, सरकार बन रही है। हमें लगता है कि शायद जो जमीनी स्थिति है उसको भांपने में कांग्रेस पार्टी, सत्ता और तमाम सलवे जो हैं वो विफल रहे हैं, और जो नतीजे सामने हमारे हैं। दो तीन चीजें देखिए बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही थी कि 2018 का सर जो चुनाव था उसमें कांग्रेस को जो भारी बहुमत मिला था, लगभग 68 सीट, और बढ़ती हुए बाद में फिर 70 71 सीट हुआ चुनाव के बाद। 71 मिला, भारतीय पंद्रह जनता पार्टी को सालों 15। पंद्रह जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले 15 सालों के कार्यकाल में रमन सिंह के खिलाफ जो एक भयानक नाराजगी थी, तीन चार बहुत ही मुद्दे जो व्यापक थे, जैसे कि छत्तीसगढ़ को देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ के मुद्दे, आदिवासी इलाकों के, जहां पे आदिवासियों के लगातार दमन हो रहा था, फर्जी मुठभेड़ हो रही थी, रिसोर्सेस की लूट चल रही थी, संवैधानिक अधिकारों का कोई संरक्षण नहीं था, किसानों के उनके बोनस की जो कमिटमेंट है वो पूरे नहीं किए गए थे। ये तमाम मुद्दों को लेके छत्तीसगढ़ ने एक बहुत ही उम्मीदों के साथ कांग्रेस को वोट किया था और इतना बड़े मार्जिन से 2018 में सत्ता में लाया था। निश्चित तौर पे जब बड़ी जीत होती है तो अपेक्षाएं भी ज्यादा होती हैं, और कांग्रेस के साथ ही अपेक्षाएं रहीं। लेकिन हम पिछले 5 सालों के कार्यकाल को जब देखते हैं, भूपेश बघेल जी के कार्यकाल के, चार पांच जो मुद्दे रहे मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण है। एक तो पहली निश्चित तौर पे जो ढाई ढाई साल का निर्णय रहा, उसने बहुत ही पार्टी के अंदर एक खींचतान रही, और मगर पिछले चुनाव के अंदर एक बहुत आप एक महत्वपूर्ण मिनट, बात आपको ये मैं थी कि रोक, एक मिनट आपको रोक रहा हूं मैं। आपका कहना जी है ये लिखित था जी या अलिखित था? लोग सोचा कि 5 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बिल्कुल, मगर बाद में लगभग हमने लगभग देखा लगभग सिंहदेव कांग्रेस जी नेतृत्व का को ये जी उपमुख्यमंत्री बनाया, स्वास्थ्य मंत्री और उपमुख्यमंत्री, बिल्कुल और वो भी लगभग 4 साल के बाद। बिल्कुल। तो कांग्रेस का ये निर्णय था, ये समझौता हुआ था राष्ट्रीय नेतृत्व के, जिसको टीएस सिंह जो लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण ये था कि पिछले 2018 के अंदर जो वोट थी उसमें
टीएस सिंधियो को सलगुजा से जो व्यापक समर्थन मिला था उसके पीछे एक कारण था कि सलगुजा को ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री के इलाके से होगा, और 2.5 सालों में वो कमिटमेंट पूरा ना होने के कारण एक नाराजगी सलगुजा के अंदर कहीं ना कहीं रही है। दो जो मुझे महत्वपूर्ण मुद्दा लग रहा है कि आप देखेंगे कि जो आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की बुरी तरीके से हाल हुई, बस्तर और सलगुजा के अंदर, जहां पे 29 में से 28 सीटें कांग्रेस ने 2018 में जीती थी, 2023 के चुनाव में आप देखेंगे कि बस्तर और सलगुजा की 26 में से 22 सीट बीजेपी जीतती है, 4 सीट ही कांग्रेस को मिलती हैं। इसके पीछे जो कारण था, और ये कोई अनपेक्षित नहीं थी, ये परिस्थिति दिख रही थी, और हम लोग, हमारे जैसे लोग लगातार इस बात को बोल रहे थे कि कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस सरकार के प्रति आदिवासियों की एक नाराजगी सतत बढ़ रही है। उस नाराजगी को शायद कांग्रेस जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे थे, या शायद वो भाप नहीं पा रहे थे कि सच्चाई क्या है। जो मैंने कहा था कि 2018 के पहले बड़ी अपेक्षाओं के साथ वोट किया था, वही अपेक्षाएं सत्ता से थी। बस्तर की अपेक्षा ये थी कि बस्तर के अंदर जो तमाम माओवादियों के नाम पे जो आदिवासियों का दमन चल रहा है, चाहे वो फर्जी मुठभेड़ हो, फर्जी गिरफ्तारियां हो, इन सारे मुद्दों पे बस्तर देख रहा था कि शायद कांग्रेस जो है कार्रवाई करेगा। अब दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि फर्जी मुठभेड़ों की संख्याएं कम हुई हैं, लेकिन घटनाएं जारी रही हैं, फर्जी गिरफ्तारियां लगातार जारी रही हैं। सिलगेर हमारे सामने उदाहरण है, 3 लोगों की हत्या हुई, उसकी जांच तक 3 सालों में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। रमन सरकार के साथ 2 बड़ी फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं हुई थी, एडस मेटा और साल के गोड़ा, जहां 70 लोग निर्दोष मारे गए थे। उनकी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट 2019 में आई, उन रिपोर्ट पे कार्रवाई करने के बजाय भूपेश सरकार ने उस रिपोर्ट को दबा दिया और आज तक सार्वजनिक नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। तो पूरे बस्तर के अंदर एक संदेश जा रहा था कि जो पिछली स्थिति थी, आपने जो कमिटमेंट किए थे कार्रवाइयों का फर्जी, उल्टा यहां तक ये हुआ कि बस्तर के अंदर जिस तरीके से सैनिकीकरण बढ़ गया, 5 सालों के अंदर लगभग 56 नए कैंप स्थापित किए गए। जी एक सवाल है, आप जैसे अभी अभी कहा जो अनुसूचित जनजाति है, जो छत्तीसगढ़ का दक्षिण इलाका में बस्तर, दांतेवाड़ा, बीजापुर उस इलाका, और साथ साथ उत्तर इलाका में सरगुजा में पूरा एकदम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सफाई करती, और हसदेव अरण्य में जहां अडानी घराने के कोयला खनन का कार्यक्रम हो रहे, एक समय तो हमें लग रहे थे कि हाँ भूपेश बघेल उनके साथ हैं, और आपने देखा एक तस्वीर आया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उस समय का मुख्यमंत्री और भूपेश बघेल एकदम एक साथ बोला कि हाँ हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फिर बाद में क्या हुआ कि भूपेश बघेल वो अनुमति नहीं दिया और अडानी के खिलाफ कहना शुरू कर दिया, और ये भी कहा कि उनके नजदीक जो लोग हैं, इसके ऊपर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आयकर विभाग का जो छापा लगा, इसके पीछे अडानी कहा था, ये सब भी भूपेश बघेल ने कहा। तो क्या हो गया, कैसे इनका अपना राय, अपना मत कैसे बदल गया? देखिए, मैं वही मुद्दा कह रहा था कि एक जो बस के दमन का सवाल था, जो दूसरा सवाल था रिसोर्स की लूट का सवाल, और तीसरा सवाल था जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण का सवाल। इन तीनों मुद्दों पे अपेक्षाओं के अनुरूप कांग्रेस काम नहीं कर पाई। उदाहरण आपने अच्छा हसदेव की बात कही, हसदेव में जब शुरुआती कांग्रेस सरकार आई तब गांव के लोग उनके पास पहुंचे थे कि जो राजस्थान को आवंटित कोल ब्लॉक है उसमें, पलसा कोल ब्लॉक में फर्जी ग्राम सभाओं की जो प्रक्रियाएं हैं उनकी जांच और कार्रवाई करें और अनुमतियों को रोकें। 5 सालों तक कांग्रेस की सत्ता रही है, इन्होंने फर्जी ग्राम सभाओं की जांच करने की भी जहमत नहीं उठाई और आज तक जांच नहीं हुई। शुरुआती दौर में जब अडानी की जो तीनों परियोजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश राज्य सरकार द्वारा की जा रही थी, हम लोगों ने लगातार जब आंदोलन की, आंदोलन करके ये कहा कि एक बात आ रही थी कि लैम्ब्लू एलिफेंट रिजर्व नोटिफाई कर दिया जाए तो बड़ा हिस्सा सुरक्षित होगा। परंजय जी, मुझे इसको बचाने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य सरकार ने इच्छा किया कि 450 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा के 2000 किलोमीटर का लैम्ब्लू एलिफेंट रिजर्व बनाया, लेकिन ये भी सच्चाई है कि लैम्ब्लू एलिफेंट रिजर्व का जो पहला मैप आया उसमें हसदेव के तमाम मुख्य कोल ब्लॉक को बाहर कर दिया गया था। वो मेरे पास वो मैप है, वो कोल ब्लॉक उसमें शामिल ही नहीं थे।
जब हमने इस पर कांग्रेस नेतृत्व के साथ बातचीत की, उनके साथ संवाद स्थापित की, तब जाके वो नक्शा बदला और वो कोल ब्लॉक शामिल हुए। लेकिन जो अडानी को आवंटित कोल ब्लॉक थे, जो राजस्थान को आवंटित और एमडीओ अडानी के पास थे, 4 कोल ब्लॉक, पलसा, पलसा ईस्ट, केतेवासन एंड केते एक्सटेंशन, ये चारों कोल ब्लॉक उस समय भी रेमलू एलिफेंट रिजर्व से बाहर रखे गए। हम लगता है इस और बात को हमारे कह रहे दर्शक थे को कि और दर्शक को सरल भाषा में हम समझा देते हैं कि ये एमडीओ का मतलब क्या है, माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर, जो जो मतलब जमीन में जो बिल्कुल ठेका मिला है वो सरकार सरकारी संस्थाओं को मिला, मगर जो खनन करते हैं जो एमडीओ है, माइन डेवलपमेंट एंड ऑपरेटर, वो अडानी ग्रुप है। बिल्कुल, बैकडोर से जो पूरा खन का एक तरीके से मालिकाना एमडीओ के माध्यम से अडानी को सौंप दिया गया। हम लगातार ये कह रहे थे कि जो ऑपरेशनल माइंस उसको छोड़ के बाकी सारे कोल ब्लॉक को लेमलू एलिफेंट रिजर्व में ले लिया जाए। आप विश्वास करेंगे कि अक्टूबर 2020 के पहले पलसा कोल ब्लॉक के लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस छत्तीसगढ़ सरकार ने तेजी से आगे बढ़ाई। लैंड एक्विजिशन तो राज्य ही करता है, डायवर्जन की प्रोसेस तो राज्य सरकार ही करता है। यहाँ तक कि जो राज्य सरकार को आवंटित कोल ब्लॉक था, पतुरिया गिदमुड़ी कोल ब्लॉक, इस कोल ब्लॉक का भी एमडीओ भूपेश जी ने सत्ता में आने के बाद अडानी को दिया और उसका भी लैंड एक्विजिशन की नोटिस कोल बेलिंग एक्ट से शुरू किया। मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक जो आंध्र प्रदेश के साथ था, उस भी लैंड एक्विजिशन का नोटिस भूपेश जी की सरकार अलोक ने शुरू जी, किया। अलोक जी, यदि हसदेव बचाए को लेकर ठीक है, मगर चुनाव को पहले क्यों भूपेश बघेल अडानी जी के खिलाफ बात करना शुरू किया, इसका कारण क्या है? ये देखिए, चुनाव के पहले जब विपक्ष में तब ये बोल रहे थे, सत्ता में आने के बाद इन्होंने अडानी के परियोजनाओं को लेकर रोकने की कोई भूमिका नहीं निभाई। जब हसदेव के लोग इसको लेकर, जब खनन प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी, तो हसदेव के लोगों के आंदोलन तेज हुए। 300 किलोमीटर अक्टूबर 2021 में लोग पैदल चल के रायपुर पहुंचे। बावजूद उसके पैदल आने के बाद भी, जब ये राज्यपाल ने पता था कि हम फर्जी ग्राम सभा की जांच का आदेश जो है राज्य सरकार को दिया गया, तब भी बिना जांच के, और जो आपने जिक्र किया कि अशोक गहलोत जब छत्तीसगढ़ आए, अशोक गहलोत के आने पे पलसा कोल ब्लॉक और पलसा ईस्ट केतेवासन के अंतिम वन स्वीकृति फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का सेक्शन 2 का ऑर्डर जारी किया गया और डिफॉरेस्टेशन का कार्य शुरू हुआ मार्च 2022 में। जब ये शुरू हुआ, इसको लेके व्यापक आंदोलन शुरू हुआ, पूरे छत्तीसगढ़ से इसका समर्थन होने लगा, हर ब्लॉक हर जिले मुख्यालय में हसदेव का सॉलिडारिटी हुआ। तब जाके राज्य सरकार को कहीं महसूस हुआ कि हसदेव एक बड़ा मुद्दा प्रदेश में बन रहा है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो फोर्सफुली पेड़ कटाई की प्रक्रिया थी, उसको रोकनी पड़ी लोगों के आंदोलन की वजह से। मार्च 2022 तक इस बात पे विश्वास करने भी तैयार नहीं हूं कि उस समय तक भूपेश बघेल जी अडानी की परियोजनाओं को कहीं से भी रोकना चाह रहे थे। जब कांग्रेस नेतृत्व ने इंटरवेन साले मुद्दों पर, तब जाके कहीं ना कहीं राय बदली है। टीएस सिंहदेव उस जगह पहुंचे, आंदोलन स्थल पे पहुंचे, और मामला बहुत पॉलिटिकल राहुल बना। गांधी भी बहुत कुछ कहा। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने इस पर बयान दिया। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव आया, धर्मजीत सिंह उस समय जनता कांग्रेस के विधायक थे, तब जाके एक माहौल पॉलिटिकल बना और कांग्रेस सरकार को पीछे हटना पड़ा। लेकिन मैं अभी भी आपको एक समझ गया, चीज बता दूं, उसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने पलसा कोल ब्लॉक और पलसा ईस्ट गेटेवासन को होल्ड पे रखा है। कैंसिल करने की कोई दस्तावेजी प्रक्रिया चुनाव में जाते वक्त भी नहीं, कि इसकी मांग लगातार हम लोग कर रहे थे। अच्छा चलिए, एक और विषय के ऊपर हम थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, यह है नरम हिंदुत्व। भारतीय जनता पार्टी तो राम मंदिर 22 तारीख उद्घाटन हो रहे होगी, मगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जैसे एक मंदिर से दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर से चौथा मंदिर लगातार, अपना भूपेश बघेल जी भी बोला हाँ राम जी तो यही छत्तीसगढ़ से जंगल से इनका यहां से सफर किया, तो हम यहां भी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मतलब कुछ लोगों का ऐसा सोच है कि कांग्रेस का नरम हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का जो कट्टर हिंदुत्व के साथ कभी लड़ाई नहीं हो सकता है, कभी संघर्ष नहीं हो सकता है, और नरम हिंदुत्व वाला हर बार हार जाएंगे, ये बी टीम को कौन चाहते हैं, ये डुप्लीकेट को कौन चाहते हैं, इस विषय के ऊपर आपका क्या राय है? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो पूरे सॉफ्ट हिंदुत्व के आधार पे जो सरकार चलाने की प्रक्रिया है, इसने कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
मुझे लग रहा है कि जितना राम और गाय पे राजनीति भूपेश सरकार के समय हुई है, इतनी राजनीति तो शायद पिछले 15 सालों में रमन सिंह भी नहीं किए छत्तीसगढ़ के अंदर। तो एक पूरे हिंदुत्व की राजनीति पे भूपेश बघेल जी आगे बढ़ने की कोशिश किए, लेकिन उसके कुछ उसके प्रभाव भी हुए। प्रभाव कैसे हुए कि जब जो राम वन गमन पथ बनाने की कोशिश हुई और राम वन गमन पथ को लेकर उन्होंने कहा कि हम मंदिर जो बनेगा उसके लिए मिट्टी एकत्रित करेंगे, और बस्तर जब यात्रा गई तो आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर उसका विरोध किया, और आप विश्वास करेंगे कि कांकेर से आगे यात्रा को आदिवासियों ने बढ़ने नहीं दिया। आदिवासियों का बहुत कहना था कि हमारे आदिवासी इस प्रति है जो हमारे प्राकृतिक धर वहां ना बस है, काम पूरे एक राम मय करने की जो कोशिश है उसका आदिवासियों ने खुले तौर विरोध किया। तो आप देखेंगे कि इस राजनीति ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। आदिवासियों को आपने नाराज किया इस मुद्दे पे, पहले ही वो दमन के सवालों पे, रिसोर्सेस के सवालों पे, संवैधानिक अधिकारों के सवाल पे नाराज थे। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे चल रहे थे तो बीजेपी ने एक एग्रेसिव हिंदुत्व के रास्ते पे जो उनकी राजनीति पूरी है और पोलराइज करने की कोशिश की। हमें याद है कभी जो बेमेतला के अंदर जो घटना हुई थी, एक सामान्य सी घटना थी, मारपीट की घटना बच्चों की, और उसको पूरा एक सांप्रदायिक रंग दिया बीजेपी के द्वारा और जो दंगे हुए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और उसका असर दिख रहा है कि आप देखेंगे कि बेमेतला कवर्धा के आसपास की साली सीटें बीजेपी के पास गई हैं उस पूरे इलाके की। तो वो अच्छा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिला है। अच्छा दूसरा बहुत महत्वपूर्ण की और बस्तर के एक चीज अंदर मैं आप देखेंगे बताना कि चाहता हूं, जैसे लोग कह रहे हैं कि रमन सिंह का 15 साल का सरकार के समय जब अल्पसंख्यक जो ईसाई लोगों के चर्चों के ऊपर जो हमला चला, ये भूपेश बघेल का 5 साल में उससे ज्यादा हुआ, ये क्या सच है? बिल्कुल बिल्कुल सच है। और आप देखेंगे कि ऐसा हुआ कि जो 2019 में ही कांग्रेस भूपेश बघेल जी के पास बहुत सारे जनवादी संघर्षों के लोग मिले थे और कहा था कि बस्तर के अंदर ये तनाव बढ़ रहा है आदिवासी, जो ईसाई आदिवासी और नॉन ईसाई आदिवासियों के बीच में, और निश्चित तौर पे बीजेपी आरएसएस उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन को जो लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो करना था, अब देखेंगे कि कोई यदि खत्म हो गया इसे आदिवासी तो उसको दफनाने नहीं दिया जा रहा है, चर्च पे हमले हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार खुल के कार्रवाई करने से बचती रही कि कहीं उनको एंटी हिंदू के रूप में ना दिखने की कोशिश के चक्कर में, और इस फायदा पूरे तरीके से आरएसएस और उनके संगठनों ने उठाया। हुआ ये कि चुनाव के अंदर आप देखेंगे कि जो ईसाई आदिवासी थे उनकी एक बड़ी नाराजगी थी कि हमने तो माल खाई है, हमारे लिए ना कांग्रेस सरकार ने सपोर्ट किया ना प्रशासन ने कार्रवाई की है, और वो वोट जो है कांग्रेस को नहीं गया। जो पूरा माहौल बनाया गया था, धर्मांतरण का एक हवा खड़ा किया गया था, वो तो निश्चित तौर पर मदद करना था। बस्तर के अंदर दो ऐसी सीट थी, नारायणपुर और अंतागढ़, जिसको लेके ये कहा ही जा रहा था कि ये दोनों सीट बीजेपी के खाते में जाएंगी ही। तो निश्चित तौर पे जो पोलराइजेशन का कोशिश बीजेपी ने की है, चाहे वो आदिवासी इलाकों में किया है या बेमेतला कवर्धा इलाके में, उसका भी फायदा बीजेपी को मिला। सवाल ये है कि समय रहते कांग्रेस को जो कार्रवाइयां सरकार को करनी थी संविधान के दायरे में वो नहीं की। अच्छा आलोक जी, इस वक्त कम है, मेरा 3-4 सवाल और है, आप संक्षिप्त में जवाब दीजिए। जी ये चुनाव का पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टर का जो छापा लगा, जो आरोप लगाया भूपेश बघेल की, वो पैसा खाया, पैसा यहां से लिया वहां से लिया, वो ऐप वालों से लिया, वो दुबई में उसको उसके ऊपर कार्रवाई हुआ, ये सारे और उनके जो नजदीक जो लोग हैं, उनके अफसर हैं, उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, इन सब के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा लगा, आयकर विभाग भी पहुंच गए इनके पास, इसका कुछ असर पड़ा चुनाव का नतीजा के ऊपर? क्या भूपेश बघेल जी का जो छवि देखिए, था ये खराब हो गया कि नहीं, ये मेरा सवाल। जो ईडी की कार्रवाइयां हो रही थी वो तो बहुत स्वाभाविक तौर पर है कि गैर भाजपा राज्यों में वो ईडी पहुंचती या इनकम टैक्स पहुंचती कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन उसको बीजेपी बहुत जमीन पे ले जाने की कोशिश कर पाया हो हमें ऐसा नहीं लगता। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो स्वाभाविक रूप से गई है कि जो मुख्यमंत्री है वो कुछ ऐसे लोगों के उससे घिरे हुए थे, पावर केंद्र हो गया था, एक सेंटर बन गया था जहां पे स्वाभाविक तौर पे कोई कोल माफिया, रेत माफिया या सौम्या चौरसिया जैसे प्रभावी अधिकारी
जो थे जो आईएएस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेके जनता के अंदर एक माहौल तो गया था कि कुछ लोग तो वो थे जो एक समय जोगी के समय थे और जिनको जोगी को नुकसान पहुंचाने में लोगों की बड़ी भूमिका थी, और वही समूह एक तरीके से नियंत्रित कर रहा था इस सरकार को भी और सीएम के आसपास दौड़ा था। तो एक माफिया तंत्र का एक जमावाड़ा कहीं ना कहीं दिख रहा था, जिसको लेके एक लोगों के मन में एक संदेश तो गया है। लेकिन स्वाभाविक तौर पे जो महायोग ऐप का जो मामला सडनली चुनाव के पहले लाया गया है, हालांकि बाद में जिस बंदे ने कहा उसी ने कहा कि हमने कोई पैसा नहीं दिया, जो भी है आरोप प्रत्यारोप के दौर, महादेव का लेकिन नाम वो में कहीं ना आपने कहीं घोटाला सीएम किया, महादेव का नाम में आपने घोटाला किया। घोटाला किया, तो उससे जनता में एक छवि बिगाड़ने की तो कोशिश की गई थी, निश्चित तौर पर की गई थी। मतलब आपको कहना है कि हाँ, भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार का छवि खराब हुआ ये सारे कार्रवाई के बाद, ठीक। बिल्कुल 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 अच्छा, बिल्कुल एक सवाल में होना ये, थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम लोग सब आश्चर्य हो गए थे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का नतीजा के बाद, बहुत लोग आश्चर्य हो गए कि विष्णु देव साई जी, इनका नाम किसी ने नहीं सुना था पहले, इनका भारतीय जनता पार्टी का हाई कमान बोलेगा मुख्यमंत्री वही बनेगा, आदिवासी वो है। और डॉक्टर रमन सिंह जो राजनांदगांव से 15 साल छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, 2013 से 2018 तक, 2018 तक लगभग 15 साल उन्होंने थे, 2003 से सॉरी। तो मेरा कहना यह है, रमन सिंह का, डॉक्टर रमन सिंह जी का तो छवि अच्छा है, सब लोग कहते हैं वो बहुत आम आदमी को मदद किया, उनका नाम भी लोग दे दिया कि चावल बाबा, कि सबको मुफ्त में चावल दे रहे। तो ये आप किस नजरिए से देख रहे हैं कि रमन सिंह जी अभी विधानसभा का स्पीकर बनेंगे और विष्णुदेव से मुख्यमंत्री बनेंगे? ये क्या मोदी जी अमित शाह जी का कुछ एक संदेश देना चाहते हैं? हमें ऐसा लगता है कि देखिए, एक तो बीजेपी के अंदर आज के समय जो स्पष्ट है कि सारे नेता अमित शाह मोदी, और मुझे नहीं लगता कि सामने कोई नेता को आपके सामने कोई नेता खड़ा हो, तो सिर्फ लमन सिंह का नहीं है, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे को भी साइड कर दी। दूसरा महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से छटपट खड़े हो जाते हैं कि वो अपने आप को पार्टी से ऊपर समझते हैं, चाहे वो भूपेश बघेल थे, चाहे वो अशोक गहलोत थे, वो नेतृत्व की भी नहीं सुन लेते कहीं ना कहीं कुछ मामलों में। बीजेपी हमेशा वो कोशिश करती है कि किसी को इतना बड़ा मत होने दो जो आपको पार्टी से ऊपर ले जाने लगे। तीसरा महत्वपूर्ण है कि ये नियुक्तियां कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी की गई हैं, कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाकों से बीजेपी जीत के आई है, यदि वो वोट नहीं होता तो शायद सत्ता में नहीं होती। तो एक आदिवासी इलाकों में एक संदेश देने की कोशिश है, सिर्फ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ये तमाम आदिवासी इलाकों में कि देख हम तो आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, और छत्तीसगढ़ में एक तरीके से निर्विवाद पहला आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप कहा जा रहा है। तो वो एक संदेश देने की भी कोशिश है, लोकसभा चुनाव में आदिवासियों को कैसे हम अपने साथ रख सकते हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। अच्छा, और दूसरा ये कि तो वो एक मुझे लग रहा है कि बाकी नियुक्ति भी उसी तरीके से है, तो ये 24 की तैयारी के तो ये इसी विषय के ऊपर विष्णु देव साय को बनाए। दूसरा है कि विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ की राजनीति से ज्यादा केंद्र में कोई इस तरीके के आलोप प्रत्यालोप विवादों से उनका लेना देना नहीं रहा, तो एक अभी तक एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति रहे हैं जिसके चलते शायद उनको लाया गया है। आलोक जी, जैसे आपने 2024 का लोकसभा चुनाव के बारे में आपने बात किया, 2019 में 11 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 9 मिला, कांग्रेस को 2 मिला। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार थोड़ा बहुत भविष्यवाणी कीजिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भविष्यवाणी करना तो आसान नहीं है, लेकिन ये है कि बीजेपी का 2019 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जितनी सीटें मिल सकती
थी 64 सीटें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान शायद इसके आसपास हैं, तो उसमें मैक्सिमम सीटें बीजेपी के पास गई थी। हाँ मध्य अब हमें प्रदेश लगता है में कि उसको कांग्रेस को, बरकरार रखना, बिल्कुल हाँ मध्य प्रदेश में तो एक ही मिला, वो कमलनाथ का बेटा छिंदवाड़ा, वो नकुल नाथ को एक ही मिला। राजस्थान में छत्तीसगढ़ में पच्चीस दो में मिला, 25 तो पूरा सभाई हो गया एकदम जीरो। बिल्कुल। तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2019 में बीजेपी का था, उसको बरकरार रखना बीजेपी के लिए कठिन होगा, निश्चित तौर पे सीटें कम होंगी। छत्तीसगढ़ के अंदर दो सीटें थी, मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पे यदि कांग्रेस एकजुटता के साथ, क्योंकि आप देखेंगे कि बीच कांग्रेस का वोट सीएल कम नहीं हुआ है, और यदि कांग्रेस सामूहिकता के साथ सही तरीके से लड़ेगा तो मुझे लग रहा है अभी भी संभावना है कि आपने तीन अभी चार वोट, सीटें कांग्रेस आपने ले जिक्र सकती किया है। वोट शेयर का, कांग्रेस को 42, भारतीय जनता पार्टी का 40, मतलब 4% इधर उधर। बिल्कुल आखिरी सवाल, बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे हैं अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है और लोकसभा में जैसे 2019 में होता 2 सीट से ज्यादा उनको मिलना है, तो कांग्रेस को तो बहुत कुछ करना जरूरत है। आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हो, कमलनाथ को अध्यक्ष नहीं बना, दिग्विजय सिंह को ने, जीतू पटवारी को कांग्रेस का मध्य प्रदेश में अध्यक्ष बना। छत्तीसगढ़ में क्या होना चाहिए, यहाँ पे अल्प उम्र के कांग्रेस नेता को भी छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना जरूरत है। तो यही है, आप भूपेश बघेल का नाम भूल जाइए, सिंहदेव जी का नाम भूल जाइए, आपका क्या लग रहा है कांग्रेस को क्या करना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, दीपक बैज जो पहले प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के जस्ट पहले बदले थे वो अभी भी हैं, और चरण दास महंत, क्योंकि जांजगीर में सभी की सभी सीटें कांग्रेस जीती है, विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो मुझे लग रहा है कि वो सही निर्णय है, चरण दास महंत को नेता प्रतिपक्ष के रूप में बनाया गया है। जो दो तीन चीजें मैं बस आप इसी चर्चा में मैं जोड़ देता हूँ कि देखिए, दो तीन चीजें बहुत दिक्कत थी कि पिछले चुनाव के दरमियान या सरकार के दरमियान एक कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ी दिक्कत ये थी संवेदन संवादहीनता की, है ना, और भूपेश बघेल की एक एरोगेंसी कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, वो लोगों से बातचीत में विश्वास नहीं करते थे, यदि आप कह रहे कोई हैं अहंकार ही बोल थे, रहा है तो ठीक है, बिल्कुल। अहंकार। यहां तक कि बस एक उदाहरण मैं आप दे दूं कि 50 के दशक पुरानी बस्तर की बोधघाट परियोजना को पुनर्जीवित करने का कोई औचित्य नहीं था, हिड्डो प्रोजेक्ट, बड़ा डैम प्रोजेक्ट, जब उस समय 70 में भी अलविंद नेताम ने विरोध किया था, वी भी किया, लेकिन जब इस बार विरोध किया तो आपने उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां की, हसदेव में लोग लड़ रहे हैं तो आप उन व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है परंजॉय जी कि पूरे आंदोलन, मतलब चुनाव के दरमियान बस्तर में 20 से 22 जगह आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों से संवाद करके खत्म करने की भी कोशिश नहीं हुई कि ये आंदोलन नुकसान पहुंचाएंगे, तो एक एरोगेंसी सरकार में दिख रही थी, संवेदनहीनता दिख रही थी, अनावश्यक ऐसी स्कीम को फ्लैगशिप स्कीम बनाया गया जो फ्लैगशिप थी, आप देखेंगे कि नलुआ गरुआ गुरुआ बारी की बात, लेकिन चुनाव के दरमियान में आपने उनका नाम तक नहीं लिया, है ना, तो कहीं ना कहीं वो योजनाएं भी धरातल पे सफल नहीं हुई, तो ये तमाम कारण बहुत नजर आ रहे थे। किसानों के लिए आपने बहुत अच्छा, कांग्रेस को अभी जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम लोकसभा चुनाव के पहले करना पड़ेगा, क्योंकि 2018 के पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती थी तो तमाम जनवादी संघर्ष, आदिवासी आंदोलन, किसान सब मिलके चुनाव लड़ रहे थे। 2023 का चुनाव कांग्रेस ने अपने दम लड़ा है, सत्ता के दम पे लड़ा है, अपनी एरोगेंसी के साथ लड़ा है, किसी को साथ लेने की कोशिश नहीं की। छत्तीसगढ़ के अंदर यदि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुछ सीटें जीतनी है तो कांग्रेस नेतृत्व को संवेदनशीलता के साथ सोचना होगा, तमाम जनपक्षीय ताकतों को संवाद स्थापित करना पड़ेगा, उनको साथ लेना पड़ेगा, जमीन पाना पड़ेगा, तभी कांग्रेस आगे चुनाव जीत पाएगी, नहीं तो कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद आलोक जी, आपका कीमती समय आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया। सब समय बताएंगे, कुछ महीनों के बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, वहां पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, समय बताएंगे कि कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में कोई नया अध्यक्ष आने वाले हैं कि नहीं, और आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में कांग्रेस जो आज अत्यंत कमजोर हो गए, उनका क्या नया रणनीति होगा। एक बार और धन्यवाद आलोक जी, न्यूज क्लिक का सारे दर्शक बहुत को बहुत शुक्रिया, मैं अभी कहना चाहता हूं कि हमारे साथ रायपुर से सामाजिक कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का सदस्य आलोक शुक्ला जी जो रहा था।
आप सब देखते रहिए न्यूज़ क्लिक, वो बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।